इस वक्त मेरे साथ जनाब, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। ये एरिया है रावी के ऊपर और मौला की मलंगनी का इंटरव्यू करने के लिए मौजूद है, और मेरे साथ मेरी टीम के नौजवान भी मौजूद हैं। आप देखिए, गोबर के अंदर पांव आ गया, देखें ये गोबर है आज तेरी। आज सैटरडे है और अभी तकरीबन 9 बजे का टाइम हो चुका है, और कल का मैंने प्लान किया हुआ था, कल फ्राइडे था ना, तो कल का मैंने प्लान किया हुआ था कि यार के कपड़े फ्रेश करने हैं, कपड़े मतलब वॉश करने वाले हैं, तो मतलब आज ये मशीन पड़ी हुई है तो मैं आज इसको करूँगा इस्तेमाल खुद। पहले मैं घर से कपड़े वॉश करवाता था, तो आज प्लान किया कि इसको खुद वॉश करेंगे और इस मशीन को यहाँ पर ले कर आएंगे, क्योंकि ये साथ ही वाशरूम है जो है ना, वो हमारा वाशरूम है, और यहाँ से वायर गुजार के मतलब इसको चलाएंगे और ख़ुद आज कपड़े वाश करेंगे। मैं पहले भी खुद वाश कर लेता था, लेकिन मतलब बहुत कम करता था, कभी कभार घर गया चला, कभी इधर, कभी घर, कभी इधर। तो इस बार ये कि नया फ्लैट लिया हुआ है, तो यहाँ पे उन्होंने वॉशिंग मशीन दी हुई है। ये नहीं पता, उन्होंने कहा कि भाई करो वॉश, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि अब ये नहीं पता कि उनकी है या किसी और की है, लेकिन हम वॉश करने कपड़े तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम मशीन रख के पहले कपड़े लेके आते हैं नीचे से, उसके बाद यहाँ पे ना मशीन में डाल के मशीन चला देंगे और कपड़े वॉश करते हैं आज। वहाँ पे लेके जाते हैं इसकी वायर, बस इतनी लंबी वायर है, चले कोई बात नहीं। ओए ओए, काफी वजनी है यार ये तो। चलो जी, लो भी ये तो होगी सेट। अब इसको भेजते हैं नीचे, नहीं जाएगा बच्चा, नीचे नहीं जाएगा इसको। इस वॉशरूम के जो सुराख है ना, यहाँ पे भेजना है आज, क्योंकि इसके अंदर हम, मेरे ख्याल में ये तो नहीं जाएगी। चलो ये भी जो सुराख है ना, ये हमारे कमरे के अंदर है, तो इस तरह करते हैं, इधर भेजने की कोशिश करते हैं कि अगर चला जाए। नहीं भी, ये तो मुश्किल है। चलो ये नहीं जाएगा, नीचे वाला जो है ना, नीचे से कोई एक्सटेंशन ऊपर लेके आ जाते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल पूरा पूरा आ रहा है, चेक करें, देखिए जा नहीं रहा ये। ओहो, चला गया चला गया चला गया यार, चला गया। इतने ज़्यादा कपड़े हो गए भैया, ये 1 वीक के हैं, आप खुद आगे कर ले। और ये सर्फ एक्सल, मतलब ये शुली ने ली हुई थी, पता नहीं कब की। ओ शिट यार, नीचे एक चीज़ रह गई, बाल्टी रह गई जिसके साथ इसके अंदर पानी डालना, यहाँ से लेके वो लेके आते हैं पहले। हाँ ये भी पड़ी हुई है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं हम, पानी डालने। अभी पानी भरेंगे और उस मशीन के अंदर डालेंगे, क्या हुआ, और लेके जाते हैं इसको। अब ये नहीं पता पानी डालना कितना है इसके अंदर, ये भी कोई आइडिया नहीं है। चलो खैर, पानी डालते हैं, अब कैसे उठाएं इसको भैया। मेरे ख्याल में 2 बाल्टियां तो चली जाएंगी। हाँ मशीन चल गई हुई, अब ये नहीं पता 1 सेकंड 2 सेकंड इस तरफ चलती है, 2 सेकंड 3 सेकंड इस तरफ चलती है। अब इसके अंदर सर्फ डाल देते हैं, पता नहीं अब ऐसे चलती है कैसे चलती है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। ये
मुझे पानी कम लग रहा है। पानी इसके अंदर और डालना, पानी गया क्या सारा, पानी गायब हो गया यार, पानी इसके अंदर है ही नहीं। पानी किधर गया चला यार, पानी तो इसके अंदर चला गया पाइप से निकल के, पाइप से निकल गया पानी यार, शिट शिट शिट, सारी तरफ जा गई, यहाँ से पानी निकल गया सारा। अब इसको कैसे बंद करना है मुझे ये भी नहीं कर पा। मुझे कोई आइडिया नहीं था मशीन चलाने का, लेकिन मैं अपने तौर पे मतलब पानी डाला है और सर्फ डाली है, तो पानी वो नीचे से निकलता गया, मुझे नहीं पता था कि ये पानी यहाँ से निकल जाएगा, तो ये सारी खाली होगी हुई है, सिर्फ जाग ही जाग अंदर आएगी हुई है। तो अब मैंने ऐसे किया, पाइप के अंदर ये शॉपर डाल दिया, ठीक है अब नहीं निकलेगा, लेकिन ये है कि भाई पाइप के अंदर ही एक बाल्टी चली जानी है, तो मैंने तो दो बाल्टी इधर ही डाली थी। अब दोबारा फिर पानी भरते हैं यार, प्रैंक हो गया मेरे साथ, चलें कोई नहीं, सीखने को मिला कुछ। जा यार चल जा यार, तुम्हें अल्लाह का वास्ता भाई, चल नहीं रही यार, पता नहीं क्या रीज़न है। पहले चली है 2 मिनट बस, वो भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे चल गई है, लेकिन ये कि अब नहीं चल रही। मैंने शुली को बुलाया कि यार इसको देख किस तरह चलना है इसने, किस तरह, पहले 1 मिनट चली है बस, उसके बाद बंद हो गई है। ये तो मैंने भी घुमा के देख ली, हाँ ये ड्रायर, ये ड्रायर नहीं दिया, स्पिनर है, हाँ ड्रायर, ये स्पिन टाइमर। खपने खपाने के बाद चल ही गई है, चलो शुक्र है चल गई है, लेकिन अब ये कपड़े डालते हैं एक एक करके ना, पहले टॉवल। फ्रेंड्स मैं पहले कपड़े डाल लूँ फिर मैं करता हूँ। फ्रेंड्स अभी कपड़े सारे हो गए हुए हैं, और एक बाल्टी ये और ये एक रह गए, जैकेट है ऐसे, लो जी आज की ड्यूटी सर अंजाम देते हुए। ओ ये अलग होगी, चले पानी निकाल देते हैं, अब जो पहले खुद निकल रहा था अब निकाल देते हैं। अंदर पानी खराब है, बाहर पानी साफ निकल रहा है, क्या सीन है यार। आपको बड़े शुगर की बात बताऊं कि ये जिनकी मशीन थी ना, वो भाईजान किसी और बंदे की पड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि यार किससे पूछा, मैंने कहा भाई जिनका फ्लैट उनसे पूछा, तो वो कहता कि भाई कम से कम हमसे तो पूछ लेते। मैंने कहा भाई मुझे तो नीचे वालों ने बताया कि भाई आप यूज़ कर लीजिए करिएगा, और वायर अपने कमरे से लगा लीजिए करिएगा, तो कहता भाई कौन जिम्मेदार होगा, मैंने कहा भाई मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है। तो बाकी ये खैर उन्होंने कहा भाई कोई मसला नहीं कर लें, तो बाकी अभी मैं बुर्श लेके आऊँ नीचे से, हमारे पास बुर्श नहीं था तो नीचे से मैं लेके आऊँ नया, तो अभी कपड़े वॉश करते हैं जल्दी जल्दी, धूप ना चली जाए। यहाँ पे कपड़े वॉश करेंगे, पहले ये जगह साफ़ कर लें अच्छी तरह, उसके बाद जो है ना कपड़े वॉश करते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आखिरकार मैंने कपड़े सारे वॉश कर लिए हुए हैं, और हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे हुए हैं, पता नहीं असल मैंने मतलब वॉश तो कर लिए, मशीन ने वॉश कर लिए थे, लेकिन मैं ब्रश के साथ जब लगा रहा था ना, तो मतलब हाथ उस वक्त दर्द कर रहे हैं, और जब उसका कपड़े को त्रोड़ मड़ोड़ के पानी निकालना होता ना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। अभी देखें, एक ये पेंट है और जैकेट है, और ये पेंट है और ये पेंट है, और वो वाइट शर्ट है और ये शर्ट है और ये सूट है, और उसके बाद ये टॉवल है, और उसके बाद ये शर्ट है, उसके बाद ये शलवार है उस कमीज़ की, ठीक है, और उसके बाद ये बनियान है, और उसके बाद ये भी शर्ट है, टी शर्ट है, और ये भी बनियान है, ठीक है। इतना कुछ मतलब मैंने वॉश किया आज, हाय 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 हाय, बहुत 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 मेहनत लगती है भाई, लड़कियों की हिम्मत है सच्ची में। तो बाकी ये कि वॉश कर लिया मैं अभी, मतलब बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका काम, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, तो अभी चलते हैं पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आगे काम देखेंगे कि क्या करने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो चुका हूं, और अभी जाने लगा हूं काम के लिए, मतलब कोई काम धंधा भी करना चाहिए बंदे को। नाश्ता करके मैं वापस आ गया हूं, और फ्रेश होके मतलब फ्रेश क्या होना, लोहरी नहाना नहाया, और अभी मुझे दोस्त की कॉल आ गई कि भाई जल्दी जल्दी पहुंचो और एक दो इंटरव्यू मार लेते हैं। तो बाकी अभी मैं निकलता हूं इंटरव्यू करने के लिए, तो अभी चलते हैं, और मेरे साथ रहिएगा, आज जो भी काम करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी ये कि आपको मेरे काम का पता ही है कि मैं क्या काम करता हूं क्या नहीं करता, लेकिन खैर
बाकी अभी निकलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। उन्होंने बहुत देर की लोकेशन मुझे सेंड की हुई है, कहते हैं कि भाई अगर पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो हम निकल जाएंगे। तो अभी मुझे भी अर्जेंट निकलना पड़ेगा यहाँ से। 15 किलोमीटर पे वो बैठे हुए हैं और 32 से 33 मिनट का टाइम मैप पे आ रहा है। इंटरव्यू हो चुका है और बिल्कुल हम फारिग हो गए, मेरा गोबर के अंदर पांव आ गया। देखें ये गोबर है आज तेरी। चलो मशहूर फोटोग्राफर जनाब अयन अली साहब और जनाब ये चुम्मी सरकार जो पूरे पाकिस्तान को चुम्मियों के नाम से जाने जाते हैं और आज ये यहाँ पे मौजूद हैं मौला जट के घर पे, मौला की मलंगनी। और यहाँ पे ये देख लें दरिया के ऊपर ये सारा सीन है जनाब। यहाँ पे मौला की मलंगनी की आप वीडियोस देखते होंगे और यहाँ पे जनाब फोटो शूट हो रहा है। हजरत साहब ने शायद अपनी किसी नई आने वाली महबूबा के लिए फोटो बनवानी है। ये देखें बड़ी चेकिंग हो रही है जनाब। जनाब आज इस वक्त मेरे साथ जनाब, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये एरिया है रावी के ऊपर और मौला की मलंगनी का इंटरव्यू करने के लिए मौजूद है और मेरे साथ मेरी टीम के नौजवान भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे हजरत साहब, हाँ जी यहाँ पे वजाहतें पेश की जा रही हैं कि मैंने चुम्मी क्यों ली है और क्या लिया है। यही है वो आदमी चुम्मी लेने वाला। हाँ अब ये बंदा है, इसने आते ही कहा कि जनाब तुम्हें मैंने इंटरव्यू नहीं दिलवाना, तुम चुम्मी की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हो और मैं इंटरव्यू दिलवाया। यकीन करें भाईजान आपने क्या कहा कि हमने इंटरव्यू नहीं देना, क्योंकि ये बंदा बड़ा गलत अंदाज से मशहूर हुआ है। ये हमने इंटरव्यू कर लिया हुआ है और वापस जा रहे हैं रिवर के साथ है रिया रवि, रवि है ना रवि, रवि रिवर। Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.